नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंग्लिश बुक्स के बारे में। तो इस इंग्लिश बुक्स कैसे, जैसे कि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस SSB के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश और वोकैबुलरी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस सम इम्पॉर्टेंट बुक्स विच कैन help you to improve your vocabs as well as the ability of sentence forming। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट में, मैंने कहा था वीडियो बनाऊंगा अगर लोग कमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन ज़्यादा कमेंट तो नहीं आए। लेकिन अभी मुझे रिसेंटली मोहित शर्मा जी का और भी कई लोगों का थोड़ा कमेंट वगैरह आया कि सर कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं या फिर कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए और सेंटेंस फॉर्मिंग की जो एबिलिटी होती है वाइल स्पीकिंग वो कैसे हम, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स लगा के रखी हैं। ये सारी बुक्स मैं लगभग लगभग पूरी तो नहीं, लेकिन मैंने इसमें से कुछ बुक्स मैंने पूरी पूरी पढ़ ली हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बुक्स के टाइप्स बताता हूँ कि किस तरह के बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए बुक्स के, जैसे कि अगर आप बात करें तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, और या फिर आप लोग पढ़ सकते हैं छोटे छोटे जो टेल्स होती हैं, किस्से होते हैं, बच्चों वाले टाइप स्टोरी। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिगनर्स के लिए तो बच्चों के जो बुक्स आती है छोटी छोटी टेल्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ। ये बुक है, आप लोगों को शायद उल्टा दिख रहा होगा, द टेल्स ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन। इसमें मतलब क्या है, मुल्ला नसरुद्दीन एक कॉमिक कैरेक्टर था जिसे लोग कहते हैं असली मिठा, तो उससे रिलेटेड कई छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई है इसमें। तो जैसे कि इसमें पहले हिस्ट्री ऑफ नसरुद्दीन दिया हुआ है, तो फिर उसके बाद इसकी पूरी किंग है कि नसरुद्दीन द किंग। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि मतलब मुल्ला नसरुद्दीन डीप इन थॉट्स वाज वॉकिंग डाउन अ रोड नियर अ पैलेस व्हेन ही बम्प्ड इनटू अ मैन। तो बम्प्ड मींस होता है टकराना। तो ऐसे करके आप नए नए कोर्स, जैसे कर्ज मतलब होता है किसी को ताना मारना, और साउथ चिल्लाना, तो सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। तो जब आप एकदम बिगनर हैं तो आप ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं। पढ़ने में वैसे भी अगर आप बिगनर नहीं भी हैं तो भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैंने इसकी कई कहानियां पढ़ी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। मैं इसकी एक कहानी का एक वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें इस कहानी को मैं पूरा पढ़ूंगा और इसका आपको मतलब बताऊंगा, और कितनी अच्छी फनी कहानी है ये भी। तो आप ये पढ़ सकते हैं, इसे सीख सकते हैं। अभी मैं लास्ट में एक बुक लूंगा और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्टोरी रीडिंग करते हैं तो आपका इंटरेक्शन होता है और आपका एक पढ़ने का वो बना रहता है कि अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और न्यू वर्ड्स को कैसे आप लर्न करते हैं और ये बुक्स कैसे आपको हेल्प करती हैं बिना कोई मेहनत किए नए वर्ड्स को याद करने की। तो ये आप ये इस तरह के बुक्स पढ़ सकते हैं। ये थी बिगनर्स के लिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको थोड़ा इंग्लिश पढ़ने की हैबिट है तो ये एक फेमस बहुत ही बुक है, ये वर्ड पावर मेड इजी। ये नॉर्मल लुइस की बुक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर कहीं भी आप जाते हैं नॉर्मली तो लोग कहते हैं अगर आपको वोकेबुलरी बिल्ड करनी है, अच्छी वोकेबुलरी, तो आप इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बुक मैंने पढ़ी, मैंने एक दो चैप्टर पढ़े, तो इसमें क्या होता है चैप्टर वाइज एकदम रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग दिए। जैसे ईगो से अगर रिलेटेड क्वेश्चन एक चैप्टर में है तो ईगो से रिलेटेड आप सारे लगभग पढ़ जाएंगे, ईगो सेंट्रिक, ईगोइस्टिक, ईगो, तो उसमें मतलब कई सारे वर्ड आपको उससे मिल जाएंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो कैसे मिल जाएगा। लेकिन ये बुक थोड़ी बोरिंग है, तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने की हैबिट है, आप समय दे सकते हैं इतनी मोटी बुक पर, तो आप इसे ले सकते हैं। मैं सारी बुक्स का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट amazon.com से जाके खरीद लेंगे। ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-150 रुपए की बुक्स हैं सारी। तो अब इसमें ऐसे ही है, लेकिन ये बुक मुझे, अब जैसे कि इसमें है सेशन वन में, अब इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है कि मी फर्स्ट का मीनिंग क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, दी हाइट ऑफ कॉन्सियंट, लेट मी हेल्प यू, लीव मी अलोन, लेट्स डू इट टुगेदर। तो लेट्स डू इट टुगेदर जो ये कहता है वो एन एक्सट्रोवर्ट होता है, लीव मी अलोन जो अकेले रहना चाहता है वो एक इंट्रोवर्ट होता है। तो ऐसे कोई अगर हेल्प करने वाले टाइप का है तो उसको अल्टूरिस्ट बोलते हैं, और जो अपनी सोच को लेकर बहुत ही ऊंचा रहता है और कि दूसरे की सोचों को कुछ नहीं समझता उसको ईगोटिस्ट कहते हैं, टिस्ट, और यही सब है। तो इसमें ऐसे सारे वर्ड्स नहीं है, तो ये अच्छी बुक है। अगर आप इसे पढ़ पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा आपके स्पोकन इंग्लिश में भी, और इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप इस तरह की बुक पढ़ सकते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देती है। इस बुक का नाम है द मैचलेस गिफ्ट,
ये इस्कॉन में मैं गया था, दिल्ली गया था, तो इस्कॉन टेम्पल में एक बार अपने फ्रेंड के साथ गया था, वो इस्कॉन का मेंबर है, वहां पर मैंने ये बुक ली थी। 30 रुपए की बुक थी ये, द मैचलेस गिफ्ट। इसमें मतलब कृष्ण कृष्ण से संबंधित चीजों को दिखाया गया है, तो मतलब बुक आप उस चीज को भी पढ़ने के लिए ले सकते हैं, और साथ में इसमें आपको थोड़े अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, मतलब जो एक इलीट इंग्लिश आप कह सकते हैं बोली जाती है, एक उच्च क्लास की इंग्लिश, उसमें जो यूज वर्ड्स यूज होते हैं वैसे वर्ड्स इसमें आपको सीखने को मिलते हैं। ये बुक भी थोड़ी आपको एक बार पढ़ने बोरिंग लगती है, लेकिन अगर आप एक दो बार इसे पढ़ते हैं तो इस बुक में मतलब आपको कुछ अलग तरह के विचार मिलेंगे, और साथ में अलग तरह के वर्ड और सेंटेंस फॉर्मिंग की एबिलिटी। उसके बाद मेरे पास और भी कई सारे बुक्स मैंने खरीद रखी हैं, मैंने पढ़ी भी हैं कुछ। एक बुक ये है जो कि बहुत फेमस है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो, विंग्स ऑफ फायर। ये दो पार्ट में बुक है, विंग्स ऑफ फायर, ये जो है अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, इसको मैंने पढ़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें पेंसिल से निशान वगैरह लगा के रखे हैं, जो वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आते थे, जैसे कि रिचुअली, रिफ्यूज्ड, परटर्बेड, वंडर्ड, तो अब मुझे सब पता है। वंडर्ड मतलब थोड़ा मतलब विचार में चले जाना, सोचना, और उसके बाद हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स चिंता में हो जाना, या फिर मतलब किसी चीज़ को करने से एक बार सोचना, हेजिटेट करना। तो अब ये सब, मैं जब बिगिनर था, ये बुक मैंने बहुत पहले ली थी, तब मैं पढ़ता था तो मैं नए वर्ड्स डेली सीखता था, एमिनेंट और अक्रॉस, लॉजिंग, ड्वेलिंग, तो ये सब हैं, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, अब्दुल कलाम को मैं अपना रोल मॉडल भी समझता हूँ, तो इस वजह से मैं इनके बुक्स को मैंने बहुत पहले ही पढ़ा था, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, और आप लोगों ने अब तक ना पढ़ा हो तो इसे जरूर पढ़ें। देखिए, जब मैंने लिया था तब ओवर 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी थी। इस बुक का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद ये बुक है, अगर आप एकदम ही मतलब आपको समझ में सेंटेंसेस आते हैं और बिगनर ही हैं, और आपके इंग्लिश पढ़ने में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा एकदम विस्तार से, मैं इसको पूरी कैसे पढ़ना है, कैसे इसमें मैंने नई चीज़ों को सीखा, मैं आपको भी बताऊंगा एक दो पेज पूरा पढ़ के। लेकिन उससे पहले मैं आपको और बात बुक की बातें कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत थोड़ी हाई फाई हो चुकी है, आप हाई फाई इंग्लिश सीखना चाहते हैं या वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, तो आप इस तरह के बुक्स पढ़ सकते हैं, द 3 मस्कीटर्स। इस बुक की खासियत ये है कि ये फॉरेन जो लिटरेचर है, फॉरेन जो लेखक हैं, ऑथर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। जैसे इसके राइटर है अलेक्जेंड्रे डुमास, तो वो उनका नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में, उन लोगों की वे ऑफ स्पीकिंग क्या होती है उसका आइडिया लगता है। तो शुरू में ये बुक ना पढ़ें, ये बुक पढ़ने में थोड़ी टफ हो सकती है, बाद में इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसी तरह की ये बुक है, ये किंग सोलोमन माइंस, ये सर हेनरी राइडर हगार्ट की बुक है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, मोहनदास चंदचंद गांधी की ऑटोबायोग्राफी है ये, इसमें मोहनदास चंदचंद गांधी के विचारों को, उनके लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो लिखे गए हैं। ये बुक भी अच्छी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, अगर आपको इतिहास वगैरह में कुछ इंटरेस्ट है तो आप ये बुक पढ़ेंगे, आपको काफी अच्छा लगेगा, जैसे कि इन इंग्लैंड एट लास्ट, उनके क्या समय थे, क्या क्या। इस बुक का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद कुछ और बच्चों की कहानियां हैं, द विजार्ड ऑफ ओजेड, ये एक फॉरेन एक ऑथर की कहानी है जो किड्स के लिए बनाई गई है। ऐसे कई सारी बुक्स हैं मेरे पास, जेन आयरी, वेलिंगटन हाइट्स, फ्रीडम फर्स्ट, ये एक बुक है जिसमें मतलब कुछ क्रांतिकारियों के विचार वगैरह हैं, द बुद्धा, बुद्धा की बुक आप पढ़ सकते हैं, हिटलर की बुक पढ़ सकते हैं। ये सब बुक आपके क्या होता है, माइंड को और ज़्यादा वाइडन करती हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा वाइडन करती हैं, और बहुत ही अच्छी होती हैं बुक्स, आपको पढ़नी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और ये डेविड कोपरफील्ड की एक बुक है, ये डेविड कोपरफील्ड एक कैरेक्टर जिसके ऊपर ये बुक है, जिसे चार्ल्स डिकिन्स ने लिखा है। तो ये सारी बुक्स थी, ये सब तो आपका मतलब लेवल अप हो जाने की बात है, लेकिन अब हम विस्तार से डिस्कस करेंगे इस बुक पे, जो कि आपको मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप इसे पढ़ें। तो इस बुक को पढ़ने के लिए मैं आपको अच्छे से इस बुक में चलते हैं और बताते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मतलब इसी के आगे पार्ट में आप देखते रहिए। मुझे अपना कैमरा रोटेट करना पड़ेगा, बैक कैमरे से मैं अब रिकॉर्डिंग करूँगा। हम आ गए हैं पीछे के कैमरे से, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स की, बुक की। तो देखिए, ये बुक मैं लगभग लगभग पूरी ही पढ़ डाला हूँ, हर पेज पे आपको दिख रहे होंगे पेंसिल के मार्किंग के निशान। तो आपको पढ़ना शुरू कैसे करना है, मान लीजिए, लेट सपोज करिए आप पहले चैप्टर पे जाते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर देखिए प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में हम लोग प्रीफेस पढ़ा होगा, इंग्लिश शब्द। यहाँ पर देखिए प्रोलॉन्ग,
लिखा है, इसका भी मीन्स प्रस्तावना ही होता है, ये उसका सिनोनिम है। उसके बाद देखिए जर्नल्स, जर्नल्स क्या होती है, पत्रिका उसको बोलते हैं। फिर से मैंने पूरा पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, फिर देखिए यहाँ पर एक आया प्लॉन्ट, धम से रखना, फटा पुराना, इसका मीनिंग होता है टैटर्ड मीन्स फटा पुराना, जैसे टैटर्ड नोट्स नोटबुक्स, जैसे कि अब ये पूरा लाइन आप पढ़ते हैं हम, चलिए, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स सर ही हैड सेड फॉलोइंग मी इनटू द लिफ्ट, उन्होंने लिफ्ट मुझसे कहा, एंड नाउ वेयर वी आर इन माई रूम एज ही पुल्ड आउट 3 tattered notebooks, और उसने 3 फटी पुरानी notebooks निकाली फ्रॉम हिज बैक पैक। द स्पाइनस ऑफ द नोटबुक, स्पाइन्स, स्पाइन्स में जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे जो नोटबुक की ये चीज़ होती है इसको बोलते हैं, स्पाइन्स ऑफ नोटबुक्स केम अपार्ट एज ही प्लॉन्ग्ड देम ऑन द टेबल, मतलब उसने बुक की नोटबुक निकाली और उसका जो है उसे टेबल पे पटका, धम से रखा। द येलोइंग पेजेस फैंड, फैंड मतलब हवा से हवा दे दी, फैंड ओ मतलब कि जैसे कि जो उसके येलो पेज मतलब, तो टेबल पे रखा तो उसने उसे मतलब हवा लगी। तो ऐसे ही करके जब ऐसे पढ़ते जाएंगे क्रम्बलिंग और ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जो एकदम नए होंगे, लेकिन जब आप इस पूरी नॉवल को पढ़ते रहेंगे तो कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होंगे जो आपको बार बार जो है पढ़ने को मिलेंगे, जैसे ही नोडेड, ये ही नोडेड आपको इस बुक में कम से कम 50 बार मिलेगा। नोडेड मतलब क्या होता है, सिर हिलाना, मतलब उसने सिर हिलाकर हामी भरी, ऐसे ही तो आपको उसी तरह के कई नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। माफ़ करेंगे वीडियो बार बार मेरा बंद हो जा रहा है, मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है, मैंने अभी थोड़ी बहुत खाली की है रेस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे प्रोफेसर पूजा गुप्ता स्क्रीम्ड दैट इज़ वन सम रिस्पॉन्स एंड वाई इज सेंट स्टीफन्स गुड कॉलेज, ये वो ऐसा वैसा, तो दुनिया भर का इसमें आपको वो मिलेगा, सी ब्रस्ट असाइड स्टैंड ऑफ हेयर फ्रॉम हर फेस, तो ऐसे करके आप इसे आप पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, 2-4 पेज पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैं पूरी की पूरी बुक इकट्ठा पढ़ लूँ। तो ऐसे करके आप देखिए, आप भी एक पेंसिल ले लीजिए, मार्किंग करिए, उसको याद करिए, वर्ड्स को एक बार पढ़िए, और डेफिनेटली आप एक बार आपको जब पूरा पढ़ डालेंगे ये पूरी बुक, तो आपको पास कम से कम 50 से 100 नए वर्ड्स होंगे जो आपको रट चुके हुए होंगे, और कई चीज़ें होंगी जो आप यूज नहीं करेंगे तो बाद में भूल जाएंगे। जैसे कि मैं भी अभी आज बहुत दिन बाद बुक देख रहा हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे मैं भूल चुका हूँ, मुझे नए लग रहे हैं। तो ऐसे ही है सब, जैसे हेडेक, हेडेक तो मतलब पता ही है सबको क्या होता है, रिलेंस, सेडिंग, लेकिन ये बहुत ही इजी वे में कहानी लिखी गई है, पूरा इस बातें कैसी होती हैं, और आपने अगर मूवी देख रखी होगी तो और ज़्यादा समझ में आएगी। तो आप ये बुक पढ़िए, और इसका मैं लिंक आपको दे देता हूँ, 100 रुपये की लगभग इस समय मिल जाएगी, काफ़ी सस्ती है, और इंग्लिश की कोई भी किताब लिया करिए, अगर इंग्लिश वर्जन में हो तो इंग्लिश ही लेकर पढ़ने की आदत डालें, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो और ज़्यादा बढ़ा मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं, बार बार वीडियो बंद हो जा रही है, पॉज हो जा रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसे पढ़ेंगे। वैसे मैं ये बुक सोच रहा था गिव अवे वगैरह करने की, लेकिन गिव अवे करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 100 रुपये की लगभग बुक है, 100 रुपये तो मुझे सेंड करने में यहाँ से लग जाएगा अगर किसी को मैं भेजना चाहूँ तो। मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे किसी काम की तो है नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो थैंक यू, भारत माता की जय, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा।